नमस्ते भाइयों, आपको ये जानना चाहिए कि ऐसे कुछ फैशन मिस्टेक्स होते हैं ना जो हमें पता भी नहीं चलते पर लड़कियों को पता चलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 फैशन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैंने खुद भी की है, आपने भी की है अपने लाइफ में, और बहुत सारे बंदे ना आज तक भी करते आ रहे हैं इस वीडियो के रिलीज होने तक। क्योंकि इस वीडियो के रिलीज होने के बाद आप कभी भी ये लाइफ में ये फैशन मिस्टेक्स करेंगे नहीं। स्टार्टिंग विद मिस्टेक नंबर 1, हम बात कर रहे हैं द मोस्ट कंफर्टेबल द मोस्ट चाइल्डिश क्रॉक्स एंड सैंडल्स। ये दोनों फुटवेयर ना बहुत ही अच्छे लगते हैं हमारे पैरों पर, मगर ये बहुत ही बड़े फैशन मिस्टेक्स होते हैं। देखो, अगर आपको कंफर्टेबल फुटवेयर पहननी है ना तो यू कैन ओनली वेयर फ्लिप फ्लॉप्स, जो ऐसे बेसिक चप्पल्स होते हैं, ये स्टाइलिश दिखते हैं। पर सैंडल्स और क्रॉक्स को ना अपने कबर्ड से ले लो और फिर बालकनी से बाहर फेंक दो। क्यों? क्योंकि ये होते हैं बच्चों के लिए। और अगर आपको सच में एक फैशनेबल बंदे का मकाम पाना है ना, मकाम तक पहुँचना है ना तो आपको ज़्यादा मच्योर ड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, देखो ये आउटफिट देख लो, इसमें फन भी है, इसमें क्लास भी है, और मैं एक मच्योर बंदे जैसा भी दिखता हूँ, मैं बच्चा नहीं दिखता हूँ ये आउटफिट पहन के। ऑलवेज ट्राई टू ड्रेस लिटिल बिट ओल्डर, ओल्डर इज मोर फैशनेबल। चलो, ड्रेसिंग ओल्डर की बात करते हैं बिग फैट डिजिटल वॉचेस के बारे में। एक ज़माना हुआ करता था जब डिजिटल वॉचेस ना बहुत ट्रेंडी हुए करते थे, यानी कि अगर आप डिजिटल वॉच पहन रहे हो तो लोग बोलते हैं अरे यार वाह क्या डिजिटल वॉच है, बिकॉज तभी उसके पहले डिजिटल वॉचेस हुए नहीं करते थे, उसके पहले होते थे एनालॉग वॉचेस। पर वो ज़माना अभी गया, डिजिटल वॉचेस का ज़माना अभी गया। और सबसे ज़रूरी बात, वो जो बड़े से वॉचेस रहते हैं ना, लोग कहते हैं ना जी शॉक वॉचेस, उसका भी ज़माना बिल्कुल चला गया है। आप जी शॉक तब पहन सकते हो जब आप एक टीनेजर हो या थोड़े से यंग हो। अगर आपको स्टाइलिश दिखना है तो आपको स्लिम वॉचेस पहननी चाहिए, और अगर आपको थोड़ी सी मोटी वॉचेस पहननी है ना तो ऐसी होनी चाहिए, मेटल के वॉचेस या ऐसी कैजुअल स्पोर्टी वॉचेस। आज का जमाना है बेस्ड अराउंड एथलीजर एंड बेस्ड अराउंड क्लास। तीसरी मिस्टेक है लूज क्लोथ्स। अगर आप क्लोथिंग पहन रहे हो ना, अगर आप टी शर्ट पहन रहे हो, चलो आपके स्लीव्स ऐसे लूज नहीं होने चाहिए, लूज और बैगी, ये ना एक बहुत कॉलेज ड्रेसिंग की स्टाइल होती है, लूज स्लीव्स ट्राइंग टू शो दैट यू आई एम अ चिल्ड आउट गाय। पर वो मैसेज ना दुनिया तक पहुंचती नहीं। दुनिया तक कौन सी मैसेज पहुंचती है? ये मैसेज पहुंचती है कि यार मैं ना अपने कपड़ों के बारे में दो फक्स भी नहीं देता हूँ, वो वाली मैसेज। अब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप कोई भी कपड़े चुन रहे हो वो कपड़े होने चाहिए फिटेड। टी शर्ट पहन रहे हो तो स्लीव्स होने चाहिए टाइट, चेस्ट होनी चाहिए टाइट, और चेस्ट के निपल्स की लाइन के नीचे आपकी टी शर्ट होनी चाहिए थोड़ी सी लूज। शर्ट पहन रहे हो तो आपके आर्म्स पर थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए, फिर से चेस्ट पर थोड़ी सी टाइट, थोड़ी सी टेपर्ड होनी चाहिए आपकी शर्ट। और अगर आप कोई भी ऐसे पैंट पहन रहे हो ना तो आपके पैंट के बेस पर वो फोल्ड नहीं होने चाहिए। अगर आपके पैंट्स लूज है ना नीचे से, अगर आपके पैंट्स पर वो फोल्ड बन रही है नीचे, तब टेलर के पास जाओ, पैंट्स को ऑल्टर करवाओ, एंड ऑलवेज गो फॉर नैरो एंकल पैंट्स। यानी कि नीचे ना आपके पैंट्स टाइट होने चाहिए आपके एंकल के एरिया पर। आपको अलादीन जैसा नहीं लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए स्टाइलिश बंदे की तरह। चौथा पॉइंट है स्पोर्ट्स शूज फॉर पार्टीज। बहुत बड़ी स्टाइल मिस्टेक होती है। अगर आप पार्टीज के लिए जा रहे हो तो आप पहन सकते हो फॉर्मल शूज, सेमी फॉर्मल शूज, लोफर्स या स्नीकर्स। स्नीकर्स क्या होते हैं? ये होते हैं स्नीकर्स। स्नीकर्स क्या नहीं होते हैं? ये नहीं होते हैं स्नीकर्स। पांचवी स्टाइल मिस्टेक है हाफ स्लीव शर्ट्स। ये ना मैं बहुत बंदों को देख के पहन ये मैं देखता हूँ कि बहुत बंदे ऐसे हाफ स्लीव शर्ट्स पहन लेते हैं। पर आप तभी हाफ स्लीव शर्ट पहन सकते हो जब आपके खुद के आर्म्स ना थोड़े से बड़े हों, अगर आपकी खुद की थोड़ी सी बॉडी हो तो। देखो, सच ये है कि अगर आप हाफ स्लीव शर्ट पहन रहे हो और अगर आप ज़्यादा पतले हो ना तो वो आपको सूट नहीं करेगी, आप ज़्यादातर जैनिटर की तरह दिखोगे, सॉरी। और अगर आप ज़्यादा मोटे हो और आप हाफ स्लीव शर्ट्स पहन रहे हो तभी भी आप मतलब थोड़े से अंकल की तरह दिखोगे। तो कौन पहन सकता है ये हाफ स्लीव शर्ट? वही बंदे जिनकी बॉडी होती है ना, वही लोग पहन सकते हैं हाफ स्लीव शर्ट्स। और उनके लिए भी कोई स्टाइल रूल्स होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ स्लीव शर्ट्स। नंबर वन स्टाइल रूल, ट्राई वेयरिंग ओनली वन कलर, वही क्लासी लगता है। अगर आप हाफ स्लीव शर्ट्स में एकदम चेक्ड शर्ट पहन रहे हो या एकदम बड़े बड़े पैटर्न के साथ पहन रहे हो हाफ स्लीव शर्ट, तब आप स्टाइलिश नहीं दिख रहे हो, आप हवाईयन बीच के अंकल दिख रहे हो। छठे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट चेक्ड पैटर्न शर्ट्स। चेक पैटर्न्स ना स्टाइलिश हुआ करते थे
2008 to 2012 में, तब चेक्स वर इन फैशन. पर अब क्या है इन फैशन? दीज क्लोथ्स, सटल पैटर्न्स, स्मॉल पैटर्न्स, ऐसे बहुत बार नॉन चेक्स. रजस आ जा रजस. तो अगर आपको चेक्स अपने कपड़ों में डालने हैं तो कैसे होने चाहिए? ऐसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बड़े चेक्स नहीं होने चाहिए, मल्टी कलर्ड चेक्स नहीं होने चाहिए, थोड़े से ऐसे वियर्ड शेप वाले चेक्स नहीं होने चाहिए. तो कैसे होने चाहिए? छोटे से चेक्स, सटल से चेक्स और यूनिफॉर्म कलर वाले चेक्स. मेरा मतलब है कि अगर आप ब्लैक कलर की शर्ट पहन रहे हो तो थोड़े से छोटे से ब्लैक चेक्स होने चाहिए. पर ऐसे बड़े से गंदे चेक्स ना, उनको दुनिया से बाहर फेंक दो, सॉरी घर से. अबे हटा दावन की घटा. चलो अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं. वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट सेफ कलर्स. सेफ कलर्स क्या होते हैं? डार्क कलर्स, ब्लैक, ग्रे, नेवी ब्लू, ब्राउन. अगर आप बेसिकली ये कलर्स पहन रहे हो ना, तो आपकी ड्रेसिंग थोड़ी सी सेफ हो जाएगी. अगर आपको थोड़े से एडवेंचरस कलर्स पहनने हैं, जैसे कि पिंक्स या एकदम लाइट ब्लू या एकदम लाइट ग्रीन, वो बहुत अलग किस्म के कलर होते हैं. एंड टू पुल दोज ऑफ इज डिफिकल्ट. यानी कि अगर आपको वो कलर्स पहन के अच्छा दिखना है ना, तो वो सब लोगों की बस की बात नहीं होती है. तो अगर आप कभी भी ऐसे कन्फ्यूज हो कि यार मैं आज पार्टी के लिए क्या पहनूँ या कॉलेज के लिए क्या पहनूँ, ऑलवेज स्टिक टू द सेफर कलर्स. दैट इज पॉइंट नंबर 7. तो चलो पॉइंट नंबर 8 के बारे में बात करते हैं. पॉइंट नंबर 8 है बहुत ही सिंपल. हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकलिटी के बारे में. जैसे कि मैंने कहा सेफ कलर्स होते हैं, आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर आपको अपना वार्डरोब बनाना है ना, तो आपको ज़्यादा पैसा खर्चना नहीं चाहिए. आपको क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ थोड़े से कपड़े लेने चाहिए और वो भी थोड़े से एक्सपेंसिव होने चाहिए. अगर वो कपड़े एक्सपेंसिव हैं तब वो ख़राब नहीं होंगे, और अगर वो कपड़े ख़राब नहीं होंगे तब ज़्यादा टाइम के लिए लास्ट करेंगे. एंड बाय स्पेंडिंग लिटिल मोर मनी ऑन वन पीस ऑफ ड्रेसिंग, वो बहुत टाइम के लिए लास्ट हो सकता है. यही एक अच्छी सिचुएशन है व्हेन यू कंपेयर इट टू द ओल्ड सिचुएशन. और ओल्ड सिचुएशन क्या है? आप पैसे बचाने के वो झंझट में ना ज़्यादा चीप क्लोथ्स खरीद लेंगे, और वो सब चीप क्लोथ्स फिर बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाएंगे. वो आपके कवर्ड के लिए बहुत ही गंदी सिचुएशन है. ऑलवेज बाय फ्यूअर क्लोथ्स, कीप देम लिटिल एक्सपेंसिव, स्पेंड मोर मनी ऑन द बेसिक कलर्स, डोंट बाय टू मेनी आउटफिट्स, स्पेंड मोर मनी ऑन सिंगल गुड आउटफिट, सिंगल क्लासिक आउटफिट्स एंड क्लासिक कलर्स दैट यू कैन बाय ऑफन. 9th पॉइंट है ये. अगर आप एक आउटफिट डिसाइड कर रहे हो ना, तो बहुत बंदे ये रूल फॉलो करते हैं. ऊपर लाइट शेड पहन लेते हैं और नीचे वही कलर का डार्कर शेड पहन लेते हैं, या वो रिवर्स कर देते हैं, ऊपर डार्क शेड पहनते हैं, नीचे लाइट शेड पहन लेते हैं. दिस इज ओनली ओके इफ द कलर वी आर टॉकिंग अबाउट इज ब्लू. यानी कि अगर आपकी शर्ट लाइट ब्लू है, अगर आपकी पैंट डार्क ब्लू है, तो ठीक है. पर कोई भी दूसरे कलर में दिस रूल मेक्स यू लुक वेरी बैड. ग्रीन का एग्जाम्पल ले लो. अगर आपने लाइट ग्रीन पहना ऊपर और नीचे डार्क ग्रीन पहना, ऐसा लगेगा कि आप सफारी के लिए जा रहे हो. अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना कि यार मैं ये कलर के साथ कौन सा कलर पहन लूं, द सेफ ऑप्शन इज ऑलवेज ब्लैक. ब्लैक मैचेस विथ एवरीथिंग. और 10th पॉइंट है ये. आपके फैशन का कोर ना होता है कलर मैचिंग. अब सब फैशन के रूल्स भूल जाओ, सिर्फ कलर मैचिंग के बारे में सीख लो एंड यू विल ऑलवेज बी वेरी वेल ड्रेस्ड. अगर आपको कलर मैचिंग के बारे में और ज़्यादा सीखना है, तो ज़रूर हमारा कलर मैचिंग का हिंदी वीडियो देख लीजिए. और अगर आपको जनरली फैशन के बारे में और सीखना है, तो हमारी इंग्लिश फैशन प्लेलिस्ट देख लीजिए. ये है हमारा रणवीर अलाबादिया चैनल, इसे भी सब्सक्राइब कीजिए. और अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, सी यू लेटर.